पिछली वीडियो में आप देखा सी कि किस तरह आप घर तो कम करके ऑनलाइन तो अर्निंग कर सकते हैं। सो उस बारे आप देखा सी कि आप fiverr.com के उत्ते वो कम करना है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दिता हुआ है, तुसी उस लिंक के थ्रू जिहड़ा आ अपना रजिस्ट्रेशन कर लेनी आ। सो जल्दी नाल आप वीडियो स्टार्ट कर दें तो देखते हैं रजिस्ट्रेशन किदा हुंदी आ। चलो सब तो पहला गूगल क्रोम या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन करना, तो सर्च करना fiverr.com। इहदा लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुसी उस लिंक तो जिहड़ा आ ओके करके अपना साइन इन कर लेना है। सब तो पहले आपां नूं साइन अप करना पैना क्योंकि आपां इहदे विच ज्वाइन करना है, क्योंकि फस्ट टाइम करना। सो ज्वाइन दे उत्ते क्लिक कीता ते इत्थे आपां अपनी जिहड़ी जीमेल आईडी आ उह इत्थे पुट करनी आ। सो मैं जीमेल आईडी लिख ली आ, लिख के उस तो बाद कंटिन्यू दे उत्ते क्लिक करना आ। कंटिन्यू देते जो क्लिक किया तो वह पूछ रहा है कि कोई यूजर नेम कि रखना चाहते हैं। सो तुसी अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूजर नेम जोड़ा है वो इतने रख सकते हो, जिदा कि मैं इतने किरण सोढ़ी रख लिया। बट वो कह रहे हैं कि किरण सोढ़ी ऑलरेडी किसी का नाम हैगा आ। सो मैं इतने कुछ नाल नंबरस ले लैनी हाँ। उस तो बाद तुसी अपना पासवर्ड, पासवर्ड थोड़ा करैक्टर्स होने चाहिए, उसमें सिंबल भी होना चाहिए, कोई लैटर कैपिटल लैटर स्मॉल लैटर्स नंबर सारे का कंबीनेशन होना चाहिए, एक स्ट्रोंग पासवर्ड मतलब तुसी इत्थे लिखना है। सो उस तो बाद ओके ते क्लिक करना या फिर ज्वाइन ते क्लिक करना। ज्वाइन करन तो बाद थोड़ा अकाउंट जिहड़ा इत्थे क्रिएट हो चुका है, हुण तुसी अपनी प्रोफाइल नू सैटअप करना है। सो क्लिक करना बिकम ए सैलर, क्योंकि तुसी सैलर बनना है नॉट ए बायर। सो नीचे आके तुसी प्रोफाइल जिहड़ियां इन्हां दियां चैक कर सकते हो। इस तरह जिहड़ा आ अपने कोल एक इंटरफेस ओपन हुंदा है। सो इस तो बाद तुसी इत्थे जिहड़ा आ आटोमैटिकली हौली हौली आवेगा लिखा होया बिकम आ सेलर, जां तुसी इत्थे क्लिक करके जा सकते हो जां फिर अपनी प्रोफाइल दे उत्ते क्लिक करके। सो आपां इत्थों कर लैंदे आ। सो उस तो पहला उन्हां दा मैसेज आ चुका है कि तुसी अपना जीमेल दे उत्ते जाके कन्फर्म करो। सो मैं इस तो पहला अपनी जीमेल आईडी ओपन कर लैंदी आ। जीमेल आईडी ओपन करके तुसी अपने जिहड़ी जीमेल दीआं ईमेल्स आ उन्हां नूं ओपन करना आ, ते उहदे विच फाइवर दी ईमेल आई होई होणी आ, ते उस ईमेल नूं तुसी ओपन करके एक्टिवेट करना आ। हुण देखो फाइवर दी ईमेल आई हुई है, मैं इहनूं ओपन करके जिहड़ी भी जीमेल तुसी कनैक्ट कीती आ उही जीमेल ओपन करनी आ। सो इत्थों एक्टिवेट करना आ। सो मैं एक्टिवेट कर लिया। सो उन्हां दा मैसेज आ गया कि सक्सैसफुली एक्टिवेट तुहाडा अकाउंट हो चुका आ। सो मैं बिकम अ सेलर दे उत्ते दुबारा क्लिक किया और उस तो बाद बिकम अ सेलर दे उत्ते क्लिक किया। सो उस तो बाद देखो अपने को रेडी टू स्टार्ट, इत्थे अपने को उन्होंने सारी यह वीडियो तुसी देख सकते हो कि किस तरह थानू दस रहा है की करना है। सो मैं थानू दस दिंदी इत्थों कंटिन्यू ते क्लिक करना, उस तो बाद तुसी इनू भी पढ़ सकते हो और फिर कंटिन्यू ते क्लिक करना और इसनू भी तुसी पढ़ सकते हो नाल ही फिर कंटिन्यू दे उत्ते क्लिक करना। उस तो बाद एक प्रोफाइल जिहड़ी अपने को ओपन होनी, इत्थे आपां सारी अपनी प्रोफाइल जिहड़ी आ सैट करनी आ। सो पर्सनल इनफॉर्मेशन भी इहदे विच सारी लिखी जानी आ। सो इहदे विच फस्ट आपां फुल नेम लिखना अपना, इत्थे अपना नेम एंटर कर दो। ਇਹ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਕੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਵਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ fiverr.com। देखो इतने एक सर्च बॉक्स बनया हुआ, ये मैं वर्ड टाइप किया मतलब मैं वर्ड ना रिलेटेड काम करना चाहती, जो कोई भी तुसी प्रोफाइल जी किसी की सर्च कर सकते हो तो देख सकते हो कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखी। जिस तरह आप अपने को काफ़ी सारे सेलर्स आ गए हैं जेडे कि गिग इतों सेल कर रहे हैं। सो इतों आप कोई हिंदी वाला सिलैक्ट कर लें, सेलर डिटेल के मैं सिलैक्ट करूँगी हिंदी।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗਿਗ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਗਨਰ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਚੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਮਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਸਟ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉੱਨੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਹੋ, ਬੇਸਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਲੂਇਡ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਫਲੂਐਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਐਡ ਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇਟਿਵ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ 2015 ਤੋਂ 2020 ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਨਰ ਐਡਸ, ਲੋਗੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀ ਸ਼ਰਟਸ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਐਡੀਟਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਬਿਗਨਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਗਨਰ ਲਿਖਣਾ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਅਗਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਲਿਖਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ, ਬਿਗਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਬਿਗਨਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਿਆ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਲਿਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਗਨਰ ਔਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ।
उस तो बाद तुसी होर जिहड़े इत्थे अपने स्किल्स जिन्ने भी तुहाडे कोल स्किल्स हैगे जो कम दे नाल रिलेटेड तुहाडे कोल स्किल्स आ तुसी वो सारे इत्थे ऐड कर सकते हो। जिस तरह मैं इत्थे डेटा एंट्री लिख दिता और इत्थों जिहड़ा आ इंटरमीडिएट सिलेक्ट करके ऐड कर दिता। सो नीचे देखो अपने को ऑप्शन भी आई जानी है, सुजैशनस आ रही हैं, इन्हां विचों भी तुसी चूज़ कर सकते हो। जिदा मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चूज़ किया और ऐड कर दिता। सो नीचे बहुत सारिया जिहड़ियां आ वो आ रही हैं, इन्हां नूं तुसी चूज़ कर सकते हो। ऐड किया देखो ये सारिया मैं स्किल्स जिहड़ियां आ अपनियां ऐड कर लईआं आ, एडिटिंग, इंटरमीडिएट और ऐड। सो ये तुसी जिन्निया भी चाहते हो साढ़े को जिन्नी भी स्किल्स है तुसी वो सारे ऐड कर सकते हो। सो नैक्सट हैगा एजुकेशन, इत्थे तुसी अपनी एजुकेशन बारे दसना हुंदा आ। सो फस्ट कंट्री चूज़ कर ली, उस तो बाद तुसी अपने कॉलेज का नेम चूज़ करना इत्थों जां यूनिवर्सिटी दसनी आ। सो मैं इत्थे यूनिवर्सिटी लिख लैंदी हाँ। उस तो बाद तुसी इत्थे अपना टाइटल जिहड़ा आ जां फिर जिहदे विच तुसी कीता जो भी तुहाडी स्टडी हैगी आ उहनू इत्थों चूज़ कर लेना। उस तो बाद उस स्टडी का फुल नेम जां फिर जिद्दां भी जो भी तुसी कीता जिद्दां MSc आ तां मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस तुसी इत्थों जिहड़ा मेजर दे विच लिखना। उस तो बाद ईयर सिलेक्ट करके उस तो बाद ऐड कर देना। देखो मेजर दे विच मैनूं लिखना पै रहा अदरवाइज़ ऐड दी ऑप्शन नहीं आई। सो इत्थे तुसी फुल लिखना कि MSc दी फुल फॉर्म है की आ, जो जां जो भी तुसी स्टडी कीती आ BCA जां जो भी BA तुसी उसदी फुल फॉर्म जिहड़ी इत्थे लिखनी उस तो बाद ऐड करना। हुण देखो उपर एक होर ऑप्शन आ जांदी ऐड न्यू, ऐड न्यू करके तुसी होर अपनी क्वालिफिकेशन जिहड़ी आ इत्थे फिल कर सकते हो जां फिर कोई भी डिप्लोमा जां फिर कोई सर्टिफिकेट मतलब कोर्स कीता तुसी कोई तुहाडे कोल सर्टिफिकेट हैगे आ उहदे। सो उहदे नाल रिलेटेड तुसी कोई भी जिहड़ा अपना इत्थे फिल कर सकते हो। सो उस तो बाद नैक्सट ऑप्शन हैगी सर्टिफिकेशन दी, इहदे विच तुसी अपना सर्टिफिकेशन दसना कि तुहाडे कोल किहड़े किहड़े सर्टिफिकेट हैगे आ। सो मैं जिद्दां इत्थे डिग्री लिख लिया कि मेरे कोल डिग्री हैगी आ, सो मैं इत्थे जिहड़ा आ उस डिग्री किस यूनिवर्सिटी तो वो डिग्री है मिली हुई आ मैनू उसका लिख दूंगी, तो किहड़े ईयर दे विच मिली सी उसका लिख दूंगी। उस तो बाद इसनों भी आपां ऐड कर देना। सो इस तरह अगर तुहाडे कोई डिप्लोमे का सर्टिफिकेट हैगा कोर्स का सर्टिफिकेट हैगा तां तुसी उहनूं भी इत्थे ऐड कर सकते हो लिख के। सो जिस तरह मेरे कोल इत्थे मान लो मैं लिख दिंदी हाँ सर्टिफिकेट जी, जिस दे विच भी तुसी अपना सर्टिफिकेट यह लिया होया है जां तुहानू मिलिया होया है सर्टिफिकेट जिस भी जिद्दां कोई डिप्लोमे दे विच हो सकदा सो उहदा नाम नाल तुसी लिख के उस तो बाद तुसी इहदा यूनिवर्सिटी जां इंस्टीट्यूट जिथों भी तुसी कीता है यह कोर्स उहदा लिख देना है। उस तो बाद ईयर सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। इत्थे आपां इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लिया, उस तो बाद ईयर सिलेक्ट कर लिया, फिर इहनू ऐड कर देना है। सो नैक्सट जिहड़ा अपने को ऑप्शन हैगी आ वह हैगी परसनल वैबसाइट। परसनल वैबसाइट जे तो तुहाडी है ऐड करके कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज़ ओके कर दो, कंटिन्यू उदा ही कर सकते हो क्योंकि ये जरूरी नहीं हुंदी। उस तो बाद लिंक्ड अकाउंट, इत्थे तुसी अपने गूगल फेसबुक वगैरह नू ऐड करना। सो मैं इत्थे देखो कनैक्ट दे उत्ते गूगल दे उत्ते पहला क्लिक किया और मैं इत्थों अपनी जीमेल ID जिहड़ी आ कनैक्ट कर दित्ती। सो देखो वो वेरीफाई कर रहे ने, तुसी अलाउ कर देना कि हाँ जी ये तुसी ईमेल्स कर सकते हो फाइवर नू। सो देखो मेरी जीमेल जिहड़ी आ वेरीफाइड हो गई। इस तरह तुसी होर अकाउंट भी अगर फेसबुक ते हो जो ट्विटर ते हो जा कोई भी होर होया तां उहनू तुसी इत्थे लिंक जरूर करना, ये थोड़ी प्रोफाइल च हैल्प करदा आ। सो ईमेल अपनी वेरीफाइड हो गई है, हुण इस तो बाद फोन नंबर वेरीफाई करना। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी प्राइवेट रहिंदी आ, ये कोई भी अपने कस्टमर या क्लाइंट तक नहीं पहुँचती, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी प्राइवेट हुंदी आ, जस्ट फाइवर जिहड़ी आ ये जरूर रखती अपने को। सो वेरीफाई करांगे SMS दे नाल, तुहाडे मोबाइल ते एक SMS OTP आएगा, उहनू तुसी इत्थे एंटर करना है और सबमिट कोड ते क्लिक करना। उस तो बाद वेरीफिकेशन तुहाडी कंप्लीट हो जाएगी और ओके ते क्लिक करना। सो जो तुसी ओके ते क्लिक किया तो इत्थे तुहानू कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करन नू कह रहा। सो इत्थे तुसी कोई भी क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, जिद्दां कि मैं इत्थे चूज़ किया कि फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड और मैं उहदा नाम एंटर करके इत्थों ऐड कर देना है। फिनिश किया और वेरीफिकेशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है और आपां ओके कर देना है।
उस तो बाद देखो अपनी प्रोफाइल 70% जी कंप्लीट हो चुकी आ। सो इतों आप फिनिश नीचे आप फिनिश करके इनू फिनिश कर सकते हैं, तो हूँ आप जो गिग बना सकते हैं। सो जिस गिग न आप सेल करना होंगे तो बायर उन्हों खरीद के फिर उस तो बाद काम देंगे ने। सो देखो मैं फिनिश पर क्लिक किया तो एक कोर्स अवेलेबल है, इस टाइम बहुत ही अच्छा एक कोर्स चल रहा। अगर तुम हूँ अपने अकाउंट जोड़ा क्रिएट करते हैं तो बहुत ही बेनीफिशियल रहेगा, क्योंकि एक कोर्स चल रहा जिद सारा कुछ सिखाया जाता है कि तुम किस तरह फाइबर के उत्ते काम कर सकते हो, तो वह कोर्स बिल्कुल फ्री चल रहा। सो इसका फायदा जरूर लेना, तो फिनिश पर क्लिक करो। इस तरह अपना जिहड़ा साइन इन हो चुका है फाइवर के उत्ते, हुण अपना बनाउणा है क्रिएट ए गिग, मतलब इस पर क्लिक करके आप गिग क्रिएट करना है जिहड़ा कि अपनी प्रोफाइल नू सैटअप करन दे विच हैल्प करेगा। सो यही जिहड़ा है अपना बिकदा हुंदा। सो ये अपन नैक्सट वीडियो विच देखते हैं। सो चैनल नू सबसक्राइब एंड शेयर जरूर करना, बैल बटन दे आइकन ते जरूर क्लिक करना। थैंक यू।